मोदी के उदय की सुगबुगाहट उनके समकक्ष नेताओं की तलखी में भी दिख रही थी। नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी कुछ खास रास नहीं आ रहे थे। बहरहाल विपक्ष और सहयोगियों दोनों के निशाने पर रहने वाले मोदी 2011 तक इमेज मेकओवर में लग गए। अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने सद्भावना मिशन की शुरुआत की 72 घंटे के अनशन के साथ। भाइयों बहनों, अनशन उपवास ये हमारे देश में नई बात नहीं है, ये सदियों पुरानी परंपरा है। कभी आत्मशुद्धि के लिए उपवास होना ये भी परंपरा रही, तो कभी अपनी मांगों को मनवाने के लिए सत्याग्रह के रूप में उपवास करना ये सामाजिक राज के जीवन में भी एक अच्छी चीज मानी जाने लगी। लेकिन भाइयों बहनों, मेरे उपवास कुछ मांगने के लिए नहीं। सभी धर्म गुरुओं के साथ साझा मंच मुमकिन है एक ऐसे नेता की तस्वीर पेश करने का प्रयास था जो सर्व स्वीकार्य था। 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव होने थे और एक तरह से ये चुनावी बिगुल भी था, लेकिन सद्भावना मिशन के मंच से ही बड़ा विवाद उठ गया जब नरेंद्र मोदी ने एक मौलाना की दी हुई टोपी पहनने से इनकार कर दिया। अगर आपको इतनी सबसे बड़ी जिम्मेदार सीट पर बैठना है तो पूरी कौम को, पूरे मुल्क को आपको अपने साथ लेकर चलना होगा। मन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है, हम है तो क्या, हम है तुम्हें तो हो तो क्या। राजनीतिक विवादों से परे नरेंद्र मोदी लोगों के मन तक पहुंच रहे थे। अगस्त 2011 की अपनी कवर स्टोरी में इंडिया टुडे मैगजीन ने प्राइम टाइम फॉर मोदी के नाम से लेख लिखा। इस लेख के जरिए जब लोगों से पूछा गया कि गैर यूपीए सरकार का नेता कौन हो, तो 45% लोगों ने कहा था मोदी। हालांकि इस समय तक बीजेपी के भीतर भी पीएम उम्मीदवार के चेहरे को लेकर आम राय नहीं थी। सीएम नरेंद्र मोदी हर राष्ट्रीय मुद्दे पर बात किया करते थे। 60 साल की उम्र के बावजूद सोशल मीडिया पर बड़ी सहजता से संवाद करते थे। एक ओर उन पर होने वाले आक्रमण और तीव्र होते जा रहे थे, दूसरी तरफ उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही थी। 2012 के विधानसभा चुनाव आए तो चौथी बार सीएम बनने की चुनौती थी। मोदी ने हर सीट पर जाकर प्रचार किया, जहां नहीं जा सकते थे वहां उनका 3D अवतार पहुंचता था। जब नतीजे आए तो फिर एक बार मोदी सरकार। इस जीत के साथ नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में सारे किंतु परंतु पर विराम लगा दिया है। नरेंद्र मोदी की सियासत इस जीत के बाद एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है जिसका रास्ता सीधे दिल्ली सल्तनत की ओर जाता है। मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन सवाल दिल्ली को लेकर पूछे जाने लगे। मोदी के बढ़ते कद और उनको लेकर बदलते परसेप्शन का ही नतीजा था कि जिस ब्रिटेन ने 10 साल तक उन पर पाबंदी लगा रखी थी, उसने नरेंद्र मोदी का कूटनीतिक बहिष्कार खत्म कर दिया। मोदी के आलोचक उन्हें कट्टर हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करते रहे, लेकिन 10% की रफ्तार से बढ़ रही गुजरात की अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार के लिहाज से उनका बेदाग रिकॉर्ड उनका दूसरा ही पहलू पेश कर रहा था। वो हिंदू हृदय सम्राट भी थे और बीजेपी के विकास पुरुष भी।